तो अभी हम लोग आ चुके हैं कंपनी गार्डन के टिकट घर के बाहर। और ये है हम लोग की एंट्री टिकट जो कि 5 रुपीज़ पर पर्सन के हिसाब से रहती है। और भाई ये है चंद्रशेखर आज़ाद पार्क जिसे आप लोग कंपनी गार्डन और अल्फ्रेड पार्क के नाम से जानते हैं। सो हे गाइस, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू द अनदर व्लॉग। सो अभी हम लोग आए कंपनी गार्डन में और उसी के साथ हम लोग के साथ कुछ और क्रिएटर्स भी हैं। सो भाई लोग प्लीज इंट्रोड्यूस कर लो अपने आप को। विकास यायावर, विकास कुशवाहा मेरा नाम है, मेरे चैनल का नाम विकास यायावर है और मैं ऐतिहासिक और पुरातात्विक स्थलों की वीडियो बनाता हूं। भैया मेरा नाम शिखर श्रीवास्तव है और हमारा चैनल है और हमारे चैनल का नाम है वाइड आई ट्रैक। हमारे चैनल पे आपको प्रयागराज और रिलीजियस फैक्ट्स वगैरह की वीडियो। सो अभी हम लोग आप लोग को 25th आज देखो 25th तक जाना है और कल है 26 जनवरी। तो आज हम लोग यहाँ की प्रिपरेशन दिखाएंगे और मैं जो है कल का भी एक ब्लॉग शूट करूँगा। एक्चुअली यहाँ पे मेरी रिदम टूट गई थी, मैं यहाँ कहना चाह रहा था कि मैं 26th का एक अलग ब्लॉग शूट करूँगा जो कि आप लोग ने ऑलरेडी देख रखा है, और अगर नहीं देखा तो भाई डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, जाके देख लेना। सो अगर आप लोग के माइंड में ये क्वेश्चन आ रहा होगा कि इसको चंद्रशेखर आज़ाद पार्क क्यों कहते हैं, सो इसका आंसर ये है कि यहीं पे आर्कराइट मिस्टर चंद्रशेखर आज़ाद सर ने अपने आप को शूट किया था जब उनको ब्रिटिश ऑफिसर्स ने चारों तरफ से घेर लिया था और उनके पिस्टल में सिर्फ लास्ट बुलेट बची थी। तो उन्होंने ये सोचा कि इनके हाथों मरने से अच्छा मैं खुद को गोली मार लूँ, तब से इसको चंद्रशेखर आज़ाद पार्क कहा जाता है। एंड अगर आप लोग को पिस्टल देखनी है जिससे सर ने अपने आप को शूट किया था तो वो पिस्टल आज भी इलाहाबाद म्यूज़ियम में रखी हुई है, तो आप लोग वहाँ पर जाके देख सकते हैं। बेसिकली देखिए वहाँ पे शूट करना बिल्कुल मना है, मतलब बिल्कुल मना है, तो इस वजह से हम लोग वहाँ दिखा नहीं सकते, लेकिन आप लोग कभी भी जाके वहाँ पे देख सकते हैं। और भाई ये है इस पूरे पार्क का मैप एंड जहाँ लिखा ना यू आर हेयर, तो बेसिकली आप लोग यहाँ हैं और आप लोग अपने अकॉर्डिंग क्या क्या आप लोग को यहाँ पे देखना है वो आप लोग सेट करके आप देख सकते हैं। और थोड़ा सा आगे चलते ही आप लोग को ये पहला सेल्फी पॉइंट देखने को मिलता है। देखिए ये गार्डन में आप लोग को हर तरफ हरियाली मिलेगी तो आप लोग फ़ोटोज़ वगैरह ले सकते हैं। एंड ये सेल्फी पॉइंट में बेसिकली आप लोग को एक आर्टिफिशियल एयरक्राफ्ट देखने को मिलेगा जिसका नाम है MiG-21। अगर आप लोग ये सोच रहे कि भाई ये लड़का 10 मिनट की वीडियो बनाएगा, ये बस पार्क दिखाएगा और मौज काट के निकल लेगा, नहीं ऐसा नहीं है। देखो पार्क्स आपको हर जगह देखने को मिल जाएगा, लेकिन जो चीज़ प्रयागराज में देखने को मिलेगी वो आपको हर जगह देखने को नहीं मिलेगी, पहली चीज़ तो ये। और दूसरी चीज़ मैं आप लोग को यहाँ पे इलाहाबाद का विक्टोरिया मेमोरियल दिखाने लाया हूँ। और फिर उसके बाद 25 जनवरी को प्रयागराज में नो योर आर्मी कैंप लगा था इंडियन आर्मी के थ्रू, जिसके थ्रू आप लोग बहुत सारी चीज़ें इंडियन आर्मी से रिलेटेड जान सकते हैं, लाइक उनके आर्म्स कैसे वर्क करते हैं, टैंक्स किस तरह से वर्क करते हैं और भी ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जो आप लोग को इस व्लॉग में देखने को मिलेगी। वैसे एक चीज़ बताएं, आप लोग को इस गार्डन में सब चीज़ देखने को मिल जाएगी, लाइक ओपन जिम मिल जाएगा, जॉगिंग ट्रैक मिल जाएगा, और अगर आप स्पोर्ट्स पर्सन है तो आप लोग के लिए स्टेडियम भी अवेलेबल है और ग्रीनरी तो भाई हाई ही है यहाँ पे। और यहाँ से सीधा जाने पे आप लोग को विक्टोरिया मेमोरियल दिख जाता है। और इस बार ऐसा करते हैं ना कि पहले आप लोग को वहाँ का व्यू दिखाते हैं और फिर उसके बाद आप लोग को वहाँ की डिटेल्स बताते हैं।
एंड अगर इसकी हिस्ट्री बात की जाए कि भाई विक्टोरिया मेमोरियल यहाँ पे कब बनाया गया, तो ये वाला विक्टोरिया मेमोरियल जो है वो 1906 में क्वीन विक्टोरिया की याद में बनाया गया था। और ऐसा कहते हैं कि जब ये बनाया गया था तो इसके आगे उनकी एक स्टैचू, उनकी एक प्रतिमा को भी रखा गया था जो आगे चल के हटा दिया गया। एंड अभी हम लोग आ चुके हैं कैंप के पास। एंड जैसा कि हम लोग को पता है कि हर इवेंट के पीछे कोई ना कोई थीम होती है, तो अगर मुझसे पूछा जाए भाई इस इवेंट के पीछे क्या थीम थी, तो मेरे अकॉर्डिंग यहाँ पे तो भाई देखो पहली चीज़ आर्मी के बारे में हम लोग को बताया जा रहा था कि यहाँ पे वो किस तरह सर्वाइव करते हैं, किस तरह वहाँ पर रहते हैं, किस तरह से अपने आप को प्रोटेक्ट करते हैं। और दूसरी जो मेन थीम थी जो मुझे ऐसा लगा कि भाई यहाँ पे G20, वी ऑल नो दैट कि अब की बार का G20 इंडिया में होगा, तो यहाँ पे G20 को भाई बहुत अच्छे तरीके से प्रमोट किया जा रहा था। सो यस, और हर थोड़ी थोड़ी देर में जितने भी इक्विपमेंट्स रखे थे उनको स्टार्ट किया जा रहा था। और जैसे ही हम लोग पहुँचे भाई सीधा टैंक को स्टार्ट किया गया, और कितनी मस्त आवाज़ थी भाई टैंक की, मतलब आप लोग खुद सुनिए। मतलब एक जो एक रॉ साउंड होता है ना, बिल्कुल वैसा ही साउंड निकल के आ रहा था यहाँ से। और टैंक्स के बगल में ये आप लोग को वेपन डिस्प्ले देखने को मिलती है, जहाँ पे कई सारे वेपन्स रखे हुए थे, और उन वेपन्स के बारे में सर लोग डिटेल्स में जानकारी दे रहे थे। इनफैक्ट आप उसको उठा के देख भी सकते थे, फोटोज़ वगैरह भी इनके साथ क्लिक कर सकते थे। भाई देखो एक एक वेपन्स की सर लोग बहुत अच्छे से जानकारी दे रहे थे, और अगर मैं एक एक वेपन्स की जानकारी देता यहाँ पे तो ये व्लॉग ऑलमोस्ट 20 से 22 मिनट का सिर्फ नॉलेज पे बनता। लेकिन मैंने क्या किया, देखो वहाँ पे बहुत ज़्यादा भीड़ थी तो शोर बहुत ज़्यादा हो रहा था, तो जिस भी वेपन में एकदम क्लियर वॉइस आ रही थी मैंने उसी वाली क्लिप को इसमें ऐड किया है। सो अब ये आप लोग सुनिए इस वेपन के बारे में। यस सर, ये है यूनिफाइड लॉन्चर, इसके ऊपर फोर मीटर फाइव है, इसका रेंज है तकरीबन 4000। ये जो साइट है ये आग से तकरीबन 10 गुना नज़दीक दिखाई देती है, 1 किलोमीटर की जगह तकरीबन 100 मीटर तक दिखाई देती है। तो ये सिर्फ दिन के लिए ऑपरेट कर सकते हैं, अगर नाइट के समय यदि हमने इसे ऑपरेट करना है तो ये जो TI साइट है इसके ऊपर लगाना पड़ता है। इस TI साइट का रेंज है 5000 मीटर। वो इस लॉन्चर के ऊपर जो मिसाइल फायर हो जाती है तो उसका मैक्सिमम रेंज 4000 मीटर है, तो हम रात के समय इसके ऊपर लगा के क्या कर सकते हैं, 101% क्या कर सकते हैं, इसका बेनिफिट ले सकते हैं। तो ये सिर्फ टैंक के ऊपर क्लब रहती है, टैंक के ऊपर बात करने के लिए बटालियन इंफेंट्री बटालियन के अंदर ये ऊपर है जो कि टैंकों को बर्बाद करता है, ठीक है। बाकी जो है वो पर्सनल वेपन होते हैं, अगर टैंक एक जगह से दूसरी जगह जा रहा है तो इसको क्या करते हैं, हम फायर करने के बाद फिर मुंह करके बर्बाद कर सकते हैं। थैंक यू सर। सो पहले जो है आप लोग को वेपन्स के बारे में दिखाया जाता है, और फिर उसके बगल में बिनाकुलर्स के बारे में बताया जाता है, और उसके बाद जो थर्ड सेक्शन है वहाँ पे आप लोगों को बेसिकली ड्रेस के बारे में बताया जाता है कि किस तरह के ड्रेस पहनते हैं वहाँ पे। और भाई आप लोग को वेपन डिस्प्ले के जस्ट सामने ये बहुत बड़े बड़े लॉन्चर्स देखने को मिलेंगे, जो कि भाई देखने में बहुत इंटरेस्टिंग लग रहे थे। सो दैट्स इट्स फॉर टुडेज वीडियो, आई होप यू गाइज एंजॉय दिस वीडियो, एंड इफ यू गाइज एंजॉय दिस वीडियो make sure that you like, comment, share and subscribe to my YouTube channel. बाकी वीडियो का बेस्ट पार्ट क्या था ज़रूर बताना कमेंट में। मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट वीडियो में।
टिल देन थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।